चाहेंगे कि आप जो है आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे आए हुए सभी प्रशिक्षार्थियों को कुछ आगे का कस्टम हायरिंग का जो वर्क आपने जिस तरीके से किया है उसका अनुभव इन लोगों को बताएं। खेती कौन कौन करता है? देखिए सभी लोग किसान के यहाँ से संबंधित हैं। जहाँ तक कौन कौन सी खेती करते हैं? खेती में सबसे मेन चीजें क्या होती हैं आप जानिए? किसी भी अभी आजकल खेती ना खेती ऐसे नहीं रह गई है जैसे पहले बुजुर्ग बताते थे कि खेती में कुछ है नहीं। खेती आजकल ना सबसे बढ़िया इनकम वाला आइटम है। खेती में जैसे 3x6 महीने में किया जा सकता है। नंबर एक में उसके लिए तो तीन चीजें मेन चीजें आप प्रैक्टिकल थ्योरी तो हमारे पास जानकारी नहीं है प्रैक्टिकल के अंदर तो तीन चीजें मेन होना चाहिए। एक तो समय, दूसरा टाइमिंग। अगर टाइमिंग नहीं मैच कर रहा है तब भी खेती में आप इनकम नहीं पा सकते। दूसरा खेत का समतलीकरण और तीसरा बीज का चयन। अगर इन तीनों चीज़ों में एक चीज भी मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो जो इनकम होनी चाहिए वो नहीं है। और सही इनकम के लिए आज का भारत सरकार आपके साथ में है, हर चीज़ में सब्सिडी दे रही है। आप लाइन सोइंग कर रहे हो उसमें भी आपको पर बीघे चाहे ट्रैक्टर ओनर के माध्यम से किसान को या डायरेक्ट किसान को वो सब्सिडी आपको मिल रही है। तो समतलीकरण और बीज का चयन और समय, ये तीन चीज़ अगर आप सही है तो बढ़िया इनकम की जा सकती है, सही प्रोडक्शन आ सकता है। अगर मान लीजिए अभी आप गेहूं की बुआई चल रही है और आपको जो सीड 15 नवंबर तक बोना चाहिए या 15 नवंबर के बाद 30 नवंबर तक आप उसको दिसंबर बोल रहे हो, 25 दिसंबर को बो रहे हो या 25 दिसंबर के बाद बो रहे हो तो इनकम पर डे के हिसाब से डाउन होती चली जाएगी। फिर आप बोलोगे प्रोडक्शन नहीं हुआ। दूसरा समतलीकरण नहीं है, ऐसे है कि यहाँ इसके चक्कर में पड़े तो ये सूख गया, इसके चक्कर में पड़े तो ये अभी गीला है। तो समतलीकरण है, एक साथ जनरेशन होगा, एक साथ नमी आएगी, रहेगी, जाएगी एक साथ में और पानी कम लगेगा तो खर्चे अपने आप कम होंगे। आज का पीरियड ये है कि खर्चा कितना से कम हो और उसमें इनकम ज़्यादा हो तो पैदावार ज़्यादा हो, उसके लिए ये तीन बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ आपके पास है और तो खर्चे अपने आप कम होते चले जाएंगे, पानी कम लगेगा खेत में और फिर उससे जुड़े तमाम चीज़ें हैं। मृदा परीक्षण करवा लीजिए तो आपके पास एक्चुअल जानकारी होगी हमारे इस प्लॉट में क्या चाहिए कौन। अभी आम जनमानस जो है या जितना किसान है तो 90% तो नकलची है, वो जाके देखेगा किस कलर का भैया वो डाले हैं दवा, सेम बोतल चाहिए, क्या है उसमें नहीं पता है ना। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है, अगर आप जानकार हैं। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, भैया कुछ भी खेत में कुछ भी रोग लगा है फ़ोटो खींचिए सेंड करिए, 2 मिनट में रिजल्ट दीजिए। जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अब हमारा तो सौभाग्य चले किसी विज्ञान केंद्र साथ में है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं सुन रहे, जाने दो इनके ऊपर जो बैठे हैं NCR के लोग आके आपका खेत देखेंगे, वो सही राय आपको देंगे। और प्राइवेट कंपनियां जितनी हैं उनका सबका टोल फ्री नंबर है, उनसे आप बात करिए, उनको मेल करिए, उनको फोटो सेंड करिए, रिजल्ट आ जाएगा इसमें कौन से कीड़े लगे हैं, कौन सी दवा पड़नी चाहिए, कौन सा फंगस आ गया है। तो उससे चीज़ें जुड़ी चीज़ें मुद्दे पर आइए तो मृदा परीक्षण वाली जी आप करवाए तो आपको एक्चुअल जानकारी होगी। ऐसे अभी आपके पास जानकारी है जिंक यूरिया पोटास तो गिने चुने लोग बस DAP जिंक यूरिया तक जानते हैं, कुछ लोग उससे बढ़ के आगे आ गए तो पोटास तक पहुँच गए बस, और उसके बाद क्या चाहिए इस पौधे को वो नहीं जानकारी है। वो बेसिक जानकारी होनी चाहिए क्या हमारे पौधे को। जैसे अभी मान लीजिए अब गेहूँ की बुआई हुई, जनरेशन हो गया, सिंचाई हो गई और एक पौधे की डाइट मान लीजिए 10 ग्राम है पौधे की, उसको हम एक बोरी यूरिया उसके पास रख दें कितना उठाएगा, 10 ग्राम से 12 ग्राम कर देगा, 15 ग्राम कर देगा, उसके बाद क्या होगा, वेस्ट जाएगा या लीच कर जाएगा या वॉश कर जाएगा है ना। तो एक्चुअल डोज चाहिए उसको वो उससे क्या होगा, लागत कम आएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। और जानकारी तो अपने आप जब फील्ड पे काम करोगे तो थ्योरी प्रैक्टिकल में बड़ा अंतर है आपको बता दें। अभी आप कितना भी थ्योरी जानकारी रखो जब प्रैक्टिकल करोगे तो फेल हो जाओगे।
प्रैक्टिकल की जानकारी थ्योरी को फेल कर देगी, क्योंकि थ्योरी से ही प्रैक्टिकल से ही थ्योरी आएगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा तो इसमें हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर थ्योरी का ज्ञान बहुत है। और आप जो पूछना चाहें बताएं।